अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसे कि आप लोग को पता है, मैं पर डे नया नया जॉब ले ला के यहाँ पे अपडेट करता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। कि कम से कम आप लोग अगर बाहर जाना चाहो तो आपको जॉब अप्लाई करने के लिए, कॉन्टैक्ट करने के लिए थोड़ा ईजी हो जाए, ठीक है। अभी ये टाइम पे इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग प्रॉब्लम है, बहुत से सऊदी से छुट्टी जाके फंसे हुए हैं, कतर से छुट्टी जाके फंसे हुए हैं, कोई से छुट्टी जाके फंसे हुए हैं, नहीं आ पा रहे। तो ऐसे लोग के लिए मैं जॉब लेके आया हुआ हूँ, अगर आप जाना चाहोगे तो आराम से इसमें जा सकते हो। सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है, ठीक है। और ये जॉब अप्लाई करने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, और जैसे जैसा बताऊँगा उसके हिसाब से ही डॉक्यूमेंट रेडी करके भेजना है, ठीक है। आप डायरेक्ट नंबर लेके कॉन्टैक्ट करके मैसेज भेजोगे तो ये मैसेज में आपको खेलते खेलते व्हाट्सअप खेलते खेलते हफ्ता भर चले जाएगा, जब तक मालूम पड़ेगा वैकेंसी फुल हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा लास्ट तक देखा करो, और पहले पूरा वीडियो समझ लिया करो कि इस जॉब में अगर आप जाना चाहते हो तो इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या रेडी करें, कैसे रेडी करें, और कैसे फिर मैसेज करके, कैसा बात करके, कैसा कॉन्टैक्ट करें, ठीक है ना। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, ठीक है। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है आप लोग से, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक के इधर उधर जरा शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्यों, अगर आप लोग शेयर करेंगे तो और कोई भी देख के ये जॉब अप्लाई कर सकता है, उनका भी कुछ भला हो सकता है, ठीक है। तो वीडियो अभी करते हैं स्टार्ट। कतर के अंदर एक कंपनी को हाईवे ड्राइवर और लोडर ऑपरेटर की ज़रूरत है, ठीक है। हाईवे ड्राइवर का सैलरी है 3200 रियाल कतरी रियाल, और लोडर ऑपरेटर का 3400 रियाल, ठीक है। 3200 रियाल हाईवे ड्राइवर, 3400 रियाल लोडर ऑपरेटर, और इसमें ड्यूटी होगा 12 घंटे का, ठीक है। 12 घंटे का ड्यूटी होगा, और हफ्ते दिन छुट्टी होगा। रूम कंपनी देगी, इकामा कंपनी देगी, इंश्योरेंस कंपनी देगी, मेडिकल कंपनी देगी। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, 2 साल के बाद आने जाने का आपको छुट्टी मिलेगा, और छुट्टी का जो भी टिकट होता है वो टिकट भी मिलेगा आप लोग को, ठीक है। तो इस जॉब के लिए अगर आप लोग को अप्लाई करना है तो इसमें ओनली कतर रिटर्नर बंदे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसके पास कतर का लाइसेंस हो, चाहे उसके पास फोटोकॉपी भी रहेगा जब भी चलेगा, लाइसेंस एक्सपायर है जब भी चलेगा, लेकिन लाइसेंस होना चाहिए चाहे फोटोकॉपी ही हो, ठीक है। कतर ओनली कतर वाले बंदे, कतर रिटर्नर, कतर लाइसेंस होल्डर ही ये जॉब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग देख रहे हो आपके पास में कहीं दूसरी जगह का लाइसेंस है या फ्रीस हो तो आप पुराना वीडियो भी जाके देख लो, क्योंकि ये सारी जॉब मैंने पहले भी अपडेट कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट फर्स्ट लास्ट पेज, पासपोर्ट पे जो कतर का वीज़ा लगा है वीज़ा कॉपी, और कतर का ड्राइविंग लाइसेंस, और इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस, अगर इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो कोई मुश्किल नहीं है, और एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो। ये कोई कंप्यूटर दुकान पे जाके उसको अच्छे से स्कैन कराओ पीडीएफ फाइल बना के, और उसके बाद में मोबाइल में अपने डाल लो, उसके बाद आपको सेंड करना है, ठीक है। और एक सीवी भी बनाओ, सीवी में ट्रेड आप डालो, कहाँ कहाँ कब तक काम किए हो, कतर में कितना साल काम करे हो, कौन सी कंपनी में काम किए हो, इंडिया में कहाँ कहाँ काम किए हो, और कहीं गल्फ में अगर काम करे हो तो वो सारा चीज़ सीवी के अंदर मेंशन करो। डॉक्यूमेंट जैसा बताया हूँ वैसे अगर आप रेडी करते हो तो आपका 100% सिलेक्शन होना है, आपको अच्छे से रिप्लाई भी आएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट में सारा चीज़ मोबाइल से नहीं खींचना है, पहले सारा चीज़ रेडी करके कोई कंप्यूटर दुकान पे जाके पहले सीवी बनवा लेना है, सीवी बनाने के बाद में एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो बनवा लेना है फ़ोटोशॉप पे जाके, फिर रेडी करके फिर प्रिंटर से स्कैन करवा के बाकायदा और मोबाइल के अंदर डाल लो, उसके बाद में आपको कॉन्टैक्ट करना है। बहुत से लोग को मैं देख रहा हूँ, अक्सर 90% बंदे ऐसे हैं कि यहाँ से आएंगे फटाफट नंबर लेके व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, भाई मैं यहाँ पर जाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ ये करना चाह रहा हूँ, हाई लिखेंगे, उसके बाद दूसरे दिन हेलो लिखेंगे, तीसरे दिन क्या हाल है लिखेंगे, उसके बाद में बोलेंगे हम यहाँ जाना चाहते हैं, जब तक मालूम पड़ा वो वैकेंसी ही फुल हो गया। तो इसके वजह से आप लोग बोलता हूँ कि जब भी वीडियो देखो तो वीडियो पूरा देखा करो, और उसके बाद में पहले ये देखा करो कि इसके अंदर डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट क्या है, मेन है आपका डॉक्यूमेंट, ठीक है। इतना सारे रिटर्न होते हैं, इतना सारा बताओ फिर भी उनके समझ में नहीं आता है, पास मोबाइल से फोटो खींच के भेज देंगे, उसके बाद 2 दिन के बाद में रिप्लाई मिलेगा उनको, जब तक वैकेंसी खत्म हो गया फिर बोलते हो भाई मेरा काम नहीं हुआ, मैंने डॉक्यूमेंट डाला हुआ हूँ, मेरे पास लाइसेंस भी है, ये है वो है, नहीं होगा भाई ऐसी, जब तक डॉक्यूमेंट आप क्लियर नहीं रेडी करते हो जब तक आपका काम नहीं होना है। इसलिए बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि भाई वीडियो पूरा लास्ट तक देखा करो, पहले समझो कि जॉब तो आपको पता है, आपको ये मालूम हो गया ये इस चीज़ का जॉब है और मैं इस चीज़ का हूँ और मैं यहाँ से रिटर्न हूँ, मेरे पास लाइसेंस है, अब मैं अप्लाई करूँगा तो हो जाएगा। अरे भाई अप्लाई करोगे तो डॉक्यूमेंट तो सही से जाना चाहिए ना, आपका जब डॉक्यूमेंट ढंग से जाएगा जब भी तो होगा। तो इसकी वजह से कहता हूँ कि मतलब डॉक्यूमेंट अच्छे से पहले रेडी कर लो, मोबाइल के अंदर डला लो, उसके बाद में व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ठीक है, और बताओ कि भाई मैंने वीडियो यहाँ पे देखा हूँ
और मैं इस फील्ड से हूँ, इतना दिन मैं यहाँ काम किया हूँ और इस जॉब, ये जॉब में मैं जाना चाह रहा हूँ, इसको मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। मैसेज करने के बाद पूरा चीज़, फिर डॉक्यूमेंट आप सेंड कर दो। आपको जब भी मैसेज आपका सीन किया जाएगा तो वो हिसाब से आपको कॉन्टेक्ट करके एक ही मैसेज में बता दिया जाएगा, और आपका डॉक्यूमेंट अगर क्लियर है तो वही टाइम पर कंपनी को भी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन होते ही आपको खुद ही कॉन्टेक्ट आ जाएगा, कॉल आ जाएगा, कॉन्टेक्ट कर लिया जाएगा। तो इसके वजह से बोलता हूँ कि भाई, आप लोग से बार बार बोलता हूँ कि मैन, आप लोग का काम जो नहीं होता है, आपका सिलेक्शन नहीं होता है, खाली आप लोग का यही प्रॉब्लम है कि आप डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं भेजते हो। आपको ये पता है भाई, ये तो वीडियो मैंने देखा था, यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है, चलो फटा करके कॉन्टेक्ट कर ले। मैसेज इतना आता है भाई, बहुत ज़्यादा मैसेज आता रहता है, रिप्लाई सबको देना होता है, रिप्लाई देता भी हूँ सबको। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जब कभी भी जिसका मैसेज देखता हूँ तो अगर उसका बाकायदे से डॉक्यूमेंट के साथ में उसका मैसेज आया हुआ है, सारा चीज़ उसने लिखा हुआ है या रिकॉर्डिंग बोल के भेजा हुआ है, तो उसको वही टाइम पे डॉक्यूमेंट मैंने कंपनी को फॉरवर्ड करके लिस्ट कर लेते हैं। ठीक है, कि हाँ, ये बंदे का क्लियर डॉक्यूमेंट था, इसको यहाँ पे गया हुआ है। उसका सिलेक्शन होते ही उसको डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर लिया जाता है, नहीं तो वही मैसेज में उसको एक ही मैसेज में सारा डिटेल बता दिया जाता है कि अभी आगे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। तो इसकी वजह से आप लोग को बोलता हूँ कि वीडियो पूरा देखा करो। वीडियो देखने का मकसद यही है कि मैन आपको डॉक्यूमेंटेशन को सुनना है, समझना है, कैसे डॉक्यूमेंट रेडी करना है, वो हिसाब से डॉक्यूमेंट रेडी करो। तो जैसे सब बताया हूँ, पहले ऐसे डॉक्यूमेंट रेडी कर लो, उसके बाद में यहाँ पे जो व्हाट्सअप नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करके सारा चीज़ पहले मैसेज कर देना है, चाहे रिकॉर्डिंग भेज देना है कि मैं वीडियो यहाँ देखा हूँ, ये चीज़ के लिए है, ये जो मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ये मेरा डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ऐसा करके मैसेज करो, इंशाल्लाह 100% आप लोग का सिलेक्शन भी होगा, कॉन्टैक्ट भी किया जाएगा। और आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप लोग के फील्ड का नहीं है, आप दूसरी कोई ट्रेड का जॉब सर्च कर रहे हो, तो आप पुराना भी वीडियो जाके देख सकते हो। अभी नया नया रोज पर डे मैंने वीडियो अपडेट करता हूँ, तो वहाँ पे जाके वीडियो पहले समझ लो, देख लो, उसके बाद वो हिसाब से डॉक्यूमेंट अपना रेडी कर लो, फिर कॉन्टैक्ट कर लो। ठीक है, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो हम पर डे जो अपडेट करते हैं, नया नया वैकेंसी इधर अपडेट करता हूँ। ठीक है, तो आपको वो हिसाब से वीडियो जैसे अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन जाएगा, आप आके वीडियो देख के उसके वो हिसाब से आप जॉब को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो इंस्टाग्राम पे जो ये आईडी है, आप वहाँ पे जाके फॉलो करके वहाँ पे भी बात कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं स्टेटस पे डालता हूँ जो भी नया नया वैकेंसी होता है। और अगर आप कहीं जहाँ जहाँ से भी देख रहे हो, वहाँ पे अगर टिकटॉक चालू है तो जो टिकटॉक का जो आईडी है, इस पे भी जाके मुझे टिकटॉक पे फॉलो करके फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं दिन भर में 2-3 वैकेंसीज बना के डालता रहता हूँ, वहाँ से भी आपको जॉब अप्लाई जॉब का बहुत सारा अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ बात वात करना है तो आप इंस्टाग्राम पर बात भी कर सकते हो, और फेसबुक पे अगर चैनल देख रहे हो तो फॉलो कर लो। अभी तक हमारा चैनल यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको डेली डेली जो भी नया अपडेट होगा वो आपको मिलता रहेगा, वो हिसाब से आप जो वीडियो देख के जो अप्लाई कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, कमेंट करके बताना, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।